न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुलक रहमानी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, लखनऊ कोर्ट में फिर से एक बार वही घटना घटी है जिसको लेकर के इससे पहले भी भारी बवाल हुआ था। दरअसल लखनऊ कोर्ट परिसर में जो है कैसरबाग कोर्ट के भीतर गैंगस्टर संजीव महेश्वरी जीवा को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हमलावर वकील की ड्रेस में था। संजीव महेश्वरी मुख्तार अंसारी का करीबी भी बताया जाता है। इस पूरे मामले में ऐसा माना जा रहा है कि जो है हमलावरों ने जो है कहीं ना कहीं अतीक अहमद के उस जो है मर्डर से कहीं ना कहीं जो सीख लिया, और उसके बाद वकील के भेस में आकर के यहाँ पर जो है उनके ऊपर ताबड़तोड़ जो है फायरिंग कर दी गई। आपको बता दूं कि इसके बाद ये कहा जा रहा है कि गोलीकांड में 4-5 लोगों के घायल होने की भी खबर है। संजीव महेश्वरी जीवा पश्चिमी यूपी का कुख्यात गैंगस्टर था। पुलिस ने एक हमलावर को हिरासत में भी ले लिया है। घायल अवस्था में हमलावर को पुलिस अस्पताल ले गई। हत्यारे की पहचान विजय यादव पुत्र श्यामा यादव निवासी केराकत जिला जौनपुर के रूप में हुई है। पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। अब ये देखना है कि इस पूरे मामले पर घटना के बाद वकीलों में आक्रोश है। वकील काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित है। वकीलों ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और कई बड़े गंभीर सवाल खड़े कर दिए। चश्मदीद ने बताया कि हमलावर ने 6 गोलियां चलाई थी। कोर्ट परिसर में खून के धब्बे गिरे हुए हैं, दीवारों पर भी खून के धब्बे हैं। घटना के बाद पुलिस ने वहां से बॉडी को हटा लिया। अब इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा राजनीति भी हो रही है। अखिलेश यादव ने भी इस पर तंज कस दिया है और वकील काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित है। वकीलों का ये मानना है कि कोर्ट परिसर की सुरक्षा को लेकर के एक बड़ा गंभीर सवाल है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दो, संजीव महेश्वरी जीवा जो कि मुख्तार अंसारी का करीबी भी बताया जा रहा है, उसकी लखनऊ कैसरबाग कोर्ट परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।